सिक्स का जो है मैथ्स का एक सैंपल पेपर करने वाले हैं। अब देखिए इस सैंपल पेपर में जो है ये जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा, और जो फुल मार्क्स है वो 80 मार्क्स है, और जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटा है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चंस होता है इसमें करने के लिए, इसमें बस ये चीज़ 3 चाहिए बस, कि जब भी जो है माइनस माइनस जुड़ता है, ठीक है, तो वो जो है ऐड हो जाता है, लेकिन बस उसका साइन जो है माइनस का रहता है। अब जब भी माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो बस वो प्लस हो जाता है, बस इतना याद रखिएगा। और जब भी प्लस माइनस को करते हैं ना तो ये माइनस हो जाता है, बस ये 3 बस याद रखिएगा, कुछ नहीं और। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, 30 है, और फिर देखिए यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 23, और फिर देखिए यहाँ फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ माइनस का 63, और यहाँ पे प्लस प्लस है, और जब प्लस प्लस करते हैं तो प्लस ही रहता है, प्लस 55। अब देखिए प्लस प्लस का 2 साइन है, ये और ये, और माइनस माइनस का 2 साइन है, इनको साथ में जोड़ देते हैं, ठीक है। ये जब इनको ऐड करेंगे तो 585 आ जाएगा, और जब इनको ऐड करेंगे तो माइनस का साइन रहेगा क्योंकि दोनों के पास माइनस का साइन है, और फिर 3 3 6 6 और 2 8 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 1, माइनस का 1 है ना। उसी तरह से अब बी देखते हैं, बी में क्या बोला जा रहा है, माइनस 9 प्लस प्लस 4 और ये दिया हुआ है, ठीक है। ये माइनस 9 हो गया, और ये देखिए प्लस प्लस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस ही रहता है, प्लस का 4, और ये प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, और यहाँ प्लस प्लस है तो 3 रहेगा, प्लस का ही 3, जब भी प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रह, प्लस ही रह जाता है। तो अब देखिए जो प्लस प्लस का साइन है उसको एक साथ, इसको और इसको एक साथ, और इसको और इसको एक साथ, माइनस माइनस वाले को एक साथ, तो ये माइनस 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 15, और ये हो जाएगा प्लस का 7। जब इसको कीजिएगा तो कितना आएगा आंसर, माइनस का 8, ठीक है।